तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका नादी टीवी में। चलिए रुक कर लेते हैं कुछ खबरों की ओर। हलाल प्रमाणित उत्पादों की बिक्री पर बैन लगाने का असर प्रतापगढ़ में दिखाई देने लगा है। अब तक जिले के शॉपिंग मॉल में ऐसे आइटम बिक रहे थे, लेकिन शासन के रोक लगाने के बाद आनन फानन में ऐसे आइटमों को पैक करके बिक्री से हटा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जनपद के विभिन्न बाजार में 40 खाद्य दुकानों और मॉलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कचहरी रोड स्थित मार्ट में हलाल सर्टिफाइड युक्त कई सामानों को पैक करके हटाया गया। इन्हें कंपनी को वापस किया जाएगा। यह मानक अधिनियम 2006 में हलाल सर्टिफिकेशन का कोई प्राविधान नहीं है, इसलिए सरकार ने इस पर रोक लगाई है। प्रतापगढ़ में दो दिन से छापेमारी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। अभी तक हम लोगों ने 244 जो पैकेट जिसमें हलाल सर्टिफिकेशन था उसको देखा था, उसको पैक कंपनियां खुद ही कर रही थी, वो रिकॉल होकर के वो वापस जा रहा है। और हमने जो दुकानदार हैं उनको भी जागरूक किया है, अगर किसी के पास होगा तो उसका विक्रय नहीं करेंगे, विक्रय करेंगे तो खास सुरक्षा मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या अभी तक किसी दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई हुई? अभी किसी दुकानदार के पास हमें मिला नहीं है, हमारी छापेमारी लगातार जारी है और किसी के पास हलाल सर्टिफिकेशन वाले मिला नहीं। जो मॉल में थे वो कंपनियां खुद रिकॉल कर रही हैं, वो खुद ही वापस जा रहा है।